सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाई हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आई, तो दोस्तों उन्हीं वीडियो को देखते हुए मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप के फॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी को मैसेज करते हैं, जो भी मैसेज हम टाइप करते हैं और जब किसी को सेंड करते हैं, तो दोस्तों उस मैसेज का जो फॉन्ट होता है, उसके जो अल्फाबेट की डिजाइन होती है, वो एकदम सिंपल होती है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि हमारा मैसेज एकदम सिंपल लगता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपका जो मैसेज है वो एक अलग फॉन्ट में आएगा, यानी कि जो मैसेज आप किसी को भेजोगे टाइप करके, वो आपका उस राइटिंग में आएगा जिस राइटिंग में आप उसे भेजना चाहते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और आप अच्छे समझ जाओगे कि आपको क्या तरीका अपनाना है और कैसे आप अपने मैसेज की डिजाइन को, अपने मैसेज की राइटिंग को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फोन में FM व्हाट्सएप ओपन करना है। दोस्तों इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आपको ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है जो साइड में आ रही हैं, आपको उन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से कई ऑप्शन आएंगे, तो आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में जाना है FM मोड्स पर। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको तीसरे नंबर पर आना है यूनिवर्सल पर, यूनिवर्सल पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों स्टाइल का, लुक एंड फील पे, आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ फिर से। अभी मेरा जो व्हाट्सअप है उसके जो फॉन्ट्स हैं दोस्तों, जो मेरे अल्फाबेट हैं उनकी जो डिज़ाइन है वो दोस्तों नॉर्मल है जो हर व्हाट्सअप में होती है। तो दोस्तों मुझे इन्हें चेंज करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों आपको आपको थ्री डॉट पर जाना है, FM व्हाट्सएप पे जाना है, FM मोड पे, और आपको यूनिवर्सल पे जाना है। फिर आपको दोस्तों स्टाइल पे आना है, जो कि आपको दिख रहा होगा दूसरा ऑप्शन स्टाइल लुक एंड फील पे। यहाँ आने के बाद दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा होगा फॉन्ट स्टाइल, आपको इस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों देखिए आपके सामने काफ़ी सारे फॉन्ट आ चुके हैं, आप जो भी फॉन्ट आपको पसंद है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए आपके सामने काफ़ी सारे फॉन्ट्स होंगे, तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले दिखा दिया था कि मेरे में सिर्फ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट लगा था जो नॉर्मल होता है, तो मैं आपको दोस्तों ये दिखा देता हूँ, ये वाला, इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपको इसकी डिज़ाइन दिख रही होगी मैं आपको जो वाला सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों फिर से आपको बैक पर क्लिक करना है, फिर से आपको बैक आना है। अब दोस्तों देखिए हमने जो फॉन्ट सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो चुका है। देखिए दोस्तों आपके फ़ोन जो भी नंबर से हैं उसके ही फॉन्ट चेंज हो जाएंगे, और अभी आप जिस किसी पे मैसेज भी करोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको कुछ भी यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर यूट्यूब टाइप किया है, इसे मैं सेंड करता हूँ। अब देखिए दोस्तों मेरा जो फॉन्ट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है, यानी कि जो मैंने सेलेक्ट किया था अभी वही यहाँ पर हो चुका है। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने FM व्हाट्सएप में या फिर मान लो आप अपने व्हाट्सएप में इस तरीके से अपने फॉन्ट को एक स्टाइलिक लुक दे सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको इस तरीके से लुक बनाने के लिए आपको अपने व्हाट्सएप को डिलीट करना होगा और आपको FM व्हाट्सएप डाउनलोड करना होगा, क्योंकि दोस्तों जो भी नए नए फीचर आते हैं वो आपको आपके जो व्हाट्सएप है उसमें देखने को नहीं मिलते। आपको FM व्हाट्सएप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप कोई भी अपना नया सिस्टम यहाँ से चालू कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों FM व्हाट्सएप है उसमें आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे, जिनके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं। दोस्तों अगर आपको FM व्हाट्सएप के बारे में कोई और वीडियो देखनी है तो दोस्तों आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो, उसमें आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी FM व्हाट्सएप से रिलेटेड। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने FM व्हाट्सएप में
अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। और दोस्तों आप जो भी फॉन्ट रखना चाहते हो आप वो वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिखाया दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रिक है, ये जो तरीका है, आप सिर्फ FM व्हाट्सएप में इसे यूज़ कर सकते हो। आपका जो नॉर्मल व्हाट्सएप होता है, जैसे हम प्ले स्टोर डाउनलोड करते हैं उसके अंदर ये सिस्टम देखने को नहीं मिलता, तो आपको पहले FM व्हाट्सएप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे वीडियो में दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे डाउनलोड कर लें, उसे इंस्टॉल कर लें, फिर आप जो भी मैंने वीडियो बनाई है व्हाट्सएप के ऊपर, जे वाली इससे पहले जो भी वीडियो हैं, उन सारे तरीकों को आप FM व्हाट्सएप में यूज़ कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों FM व्हाट्सएप एक ऐसा व्हाट्सएप है जिसके अंदर आपको अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि व्हाट्सएप के ऊपर कोई और वीडियो बने, जो आप टॉपिक चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।